हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। तो हेयर केयर रूटीन में मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो वन ब्रांड प्रोडक्ट है, एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर एंड मॉइस्चराइजर ब्रश। सो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में तीनों हैं। ये एक ऑनियन कंडीशनर है, रेड ऑनियन ब्लैक सीड्स ऑयल हेयर कंडीशनर, एंड एक है ये शैम्पू जिसका नाम है रेड ऑनियन ब्लैक सीड्स ऑयल शैम्पू। तो ये दोनों वाओ स्किन साइंस के हैं, और ये है ब्रश जो वाओ स्किन साइंस मसाजर ब्रश है। तो मैं इन तीनों का आप लोग के साथ रिव्यू शेयर। सो गाइस, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस स्टिमुलेटिंग स्कैल्प मसाजर ब्रश हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द रूट्स, प्रमोट हेयर हेल्थ। सो गाइस, आप इसको है ना कंडीशनिंग शैम्पू एंड हेड मसाज में यूज़ कर सकते हैं, एंड ये आपके आपके हेयर को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेट स्कैल्प एंड हेयर, स्ट्रेस हटाएगा, मतलब हेडेक हटाएगा आपके सर से, बैलेंस द सीबम ऑन स्कैल्प और लूजन डर्ट एंड बिल्डअप ऑन स्कैल्प, डर्ट वर्ट क्लीन करेगा। सो गाइज, आप इसको मसाजिंग के जब आप इस पर शैम्पू करेंगे तब आप कर सकते हैं इसको यूज़। तो मैंने भी शैम्पू के टाइम पे यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है बहुत। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डेमो आप लोग आगे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। सो गाइज, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे वाओ स्किन साइंस रेड ऑनियन ब्लैक सीड्स हेयर कंडीशनर। तो कंडीशनर के बारे में बात कर रही हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो ये जो कंडीशनर है वो नो पैराविन, नो सिलिकॉन्स, नो मिनरल ऑयल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड पीएच बैलेंस है, और ऑनियन बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है हमारे हेयर के लिए। मेड विथ नेचुरल एक्टिव्स हेल्प्स टू स्ट्रेंथ, सॉफ्टन एंड री स्टोर साइन। 300 ml का बॉटल है और ट्रेवल फ्रेंडली बॉटल है। आप जो कैप देख रहे हैं इस कैप से आप इसको कवर कर सकते हैं बॉटल को, लाइक जब भी आप ट्रेवलिंग करेंगे तो अगर आप जाएंगे तो इस कैप को लगा देंगे, तो जिससे ना लीक नहीं होगा। इसका मेन पॉइंट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड ऑनियन है वो तो बहुत अच्छा है ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो इसके अंदर क्या क्या है मैं बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट है तो कई सारे, मैं कुछ मेन बता देती हूँ। प्योरीफाइड वाटर है, क्रिस्लिन है, एंड इसमें आमंड ऑयल है, ब्लैक सीड्स ऑयल है, एंड इसमें रेड ऑनियन सीड्स ऑयल एक्स्ट्रा है, एंड आर्गन ऑयल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे हेयर को स्मूथ एंड शाइन रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलिएगा, और मैं डेमो भी आपको आगे दे दूंगी, सो डेमो भी देखिएगा बिना स्किप करे। मैंने यूज़ किया है अपने हेयर पे, तभी मैं आप लोग के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। सो चेक कर, लिंक देखना मत भूलिएगा, लिंक पे जाके और पता कर लीजिए। सो गाइज, अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस रेड ऑनियन ब्लैक सीड शैम्पू। नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन्स कलर, एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। रेड ऑनियन सीड्स एक्स्ट्रा, ब्लैक सीड्स एंड पैराबिन एंड प्रो विटामिन B5 भी है इसमें। 300 ml का बॉटल है, सेम कंडीशनर की तरह। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट करना मत भूलिएगा, और आगे मैंने डेमो भी दिया है वो भी पूरा देख लीजिएगा। इसमें प्योरीफाई वाटर एंड रेड ऑनियन सीड्स ऑयल, आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल एंड ब्लैक सीड्स ऑयल और आर्गन ऑयल, ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। सो आप लिंक पे जाके देख, लिंक से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और पैकेजिंग आर ऑलमोस्ट सेम कंडीशनर एंड शैम्पू, और डेमो भी मैंने आपको आगे दिया है। सो चलिए आगे देख लेते हैं। सो देख सकते हैं मैं इन्हीं दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज़ करने जा रही हूँ, एंड हेयर ब्रश भी। तो यूज़ करते टाइम मैं आपको चलिए बता देती हूँ इनकी कुछ चीज़ों के बारे में जो कि खास। तो गाइज, आपको जो QR कोड दिए गए हैं आप उस पर स्कैन करेंगे तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी, और ऑथेंटिसिटी पता चलेगी एंड उसके साथ साथ जब भी आप QR कोड को स्कैन करेंगे ऐप रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं जो कि नेक्स्ट परचेज के टाइम पे आपको काम आएंगे। एंड मैं यहाँ पे हेयर ब्रश यूज़ करके इससे मसाज कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये हमारे हेड के लिए, बहुत ज़्यादा। एंड रिसेंटली वाओ ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है, उसमें स्पेशल ऑफर है एंड शॉप करना ईजी है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंडीशनर। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं बिना यूज़ किए आप लोग के साथ रिव्यू नहीं शेयर कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाया है कंडीशनर, शैम्पू एंड ब्रश।
चीज़ें बहुत अच्छी हैं तीनों प्रोडक्ट, और एक ही ब्रांड के हैं तीनों, यहाँ तक कि ब्रश भी। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऐप का भी लिंक दिया है जो वाउ ने न्यूली लॉन्च किया है, ऐप इजीली ढूंढा जा सकता है, बहुत अच्छा है। सो सब सारी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छे ऑफर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा आप लोग अगर जाके देखेंगे तो। से हैं आप सब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड बेबी टू बी। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग की हो चुकी है, मॉर्निंग तो सुबह 5 बजे से हो जाती है। ये देखो मेरी टेन की टॉय की दुकान, क्या बेबी खाना ठीक है, तो वो खेल रही है, सारा काम हो चुका है, हमारे सो रहे निकुराज ठीक है, नो भी अपने लगे पड़े हैं, टूई टूई टूई। और मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे किचन में आज बहुत काम है, पहले तो घी आना है, और ये देखो मैं गैस ऑन करके चली गई, तवा जल गया, जला तो नहीं बट बहुत ज़्यादा चेंक गया, और बीच में एक हल्का सा गड्ढा भी हो गया, शांत हो जा बेटा शांत हो जा, क्योंकि ज़्यादा गड्ढा तो होने लगा था तुम्हें तो। कढ़ाई मुझे ना घी भी निकालना है, ताना है मतलब उसको, और मिक्कू का खाना बन गया है, मुझे आज बनाना है कड़ी, फ्राइडे है आज, तो मठा चलाया था और फिलहाल मेरा यहाँ पे बेहतर है, तो आज पता नहीं क्यों बेसन ही बेसन खाना है, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ शीला सीका कोई कुछ बोलता है, फिर ठंडा हो जाए नहीं तो सारा जल जाना है, तो वो सब बनाने जा रही हूँ। और क्या बोल रही थी, हाँ आज ऐसे थोड़ा सा हमारा इंडियन लुक लेना था, ये आम निकल के आया था मेरे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं जब भी आम खाती हूँ तो मेरे को एक ना एक निकलता है, क्योंकि पिंपल निकलने वाली एज मेरी चली गई है, पिंपल तो अभी नहीं आएंगे, बट ये आम निकला हुआ है यहाँ पे। सो अभी चले हम फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वैसे तो संध्या को मैंने दूध पिला दिया, मैंने चाय भी पी ली, और बट अभी मेरे को भूख भी लगी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना खाने के लिए, पेट में भूख भूख, और 11:15 बज रहे हैं, फटाफट से बना लेते हैं जितना भी बनेंगे, 2-3-4 हस्बैंड कहते हैं मम्मी हैं वो जाते हैं वही, कभी 8 बजे कभी 7 बजे कितना भी बज जाए उनका, जब मतलब 8:30 बजे तक चले ही जाते हैं ऑलमोस्ट, और मैंने सुना है 30 तारीख से अगेन लॉकडाउन हो रहा है, तो भगवान ही जाने, हमने डोर लगाया मैं हेयर वॉश करूँगी आप लोगों का, मैं हेयर केयर और स्किन केयर, कल यहाँ पे अगर आप लोगों ने शायद देखा हो, अगर वीडियो में मुझे याद नहीं है वीडियो में आया कि नहीं, तो यहाँ पे एक फुंसी ऐसा बन गया था, रात ही रात में ठीक भी हो गया, वो भी जादू। सो मैं स्किन केयर और हेयर केयर दोनों शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, बहुत जल्दी बता दे रही हूँ मैं आपको ठीक है। अरे क्या हो गया देखो कितना इसको मैं कर रही हूँ, मैं इसमें ऑयल वगैरह लगाती नहीं हूँ क्योंकि नहीं रह सकता मुझे, और इन सब चीज़ों को ना टैनी भी बड़े प्यार से खा लेती है, तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अपना, फिर मैं आपसे तो चावल बन गए, बेसन बन गया, और यहाँ पे दूध गर्म हो गया जो मैं जा रही हूँ जमाने के लिए, और ये गर्म है थोड़ा सा गर्म है,
एक मिनट क्या चलो बाहर और ये दही हम जमाएंगे। और ये हमारा बेसन ऑलमोस्ट बन के रेडी भी हो गया है, थोड़ा सा चला लेंगे। आज मैंने दही का नहीं बनाया, आज मैंने मट्ठे का बनाया है क्योंकि मट्ठा रखा हुआ था मेरे पास, तो उसका बनाया मैंने बेसन। और आज मट्ठे की दही की खुशबू अलग आती है और दही की जो बेसन बनता है उसकी अलग बनती है, दोनों की अलग ही आती है खुशबू। और यहाँ पे रखी हुई है लोनी जो मुझे अभी इसका खाना है, एक बार कढ़ाई खाली हो जाए मेरी पलट के बेसन तब करूँगी। मिक्कू का बना दिया, मिक्कू के में भी थोड़ा सा आज मैंने छाछ डाल दिया है इसमें, इसको जमा लो। यहीं पर रख लो, शाम तक तो जमी जाना है। गरम है यह हमारा बेसन बढ़िया। और अब कढ़ाई माँज के मैं रख दूंगी घी। कहाँ जाएगा, हाई फाइव कर ले, हाई फाइव कर, हाई फाइव कर मैं माँचे, हाई फाइव मुँह से नहीं करना, हाथ से कर ले, हाथ नहीं पहुँच रहा ले। वेरी गुड, अब हट जा बस, चल हो गया प्यार हट। तेनो उतो ना, उतो उतो भैया उतो ना बच्चा, छोटा बच्चा मैं दिखा, ये देखो हमारी तेनू का राजा, इसका नाम है राजा और वो है रेंचो, वो आया है सानू दादा के लिए और ये आया है तेनू के लिए, दोनों इक्वल है, बस आगे पीछे रखे मैं बराबर रखती हूँ। ये देखो दो भाई हैं, ये एक राजा और वो है रेंचो, ये तेनू का क्योंकि ये लड़कियों जैसा कलर है, वो लड़कों जैसा है, तो वो है सानू दादा का। है ना दिनू, ये ना छोना बच्चा, मम्मा का छोना बच्चा, उजा उजा जी देखो चम्मच से खेलेगा, ये देखो वो अपनी चम्मच से ही खेलता रहेगा। क्या चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट कहाँ पे खाओगे? अच्छा देती हूँ, ये अपनी चम्मच से बेचारा खेलता रहेगा। खाओ 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 खाओ, मोटू। गाइस सो गुड आफ्टरनून, 12 बज रहे हैं, घटा काली काली है, बादल बरसने को तैयार हैं। और आज मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मेरा नोबी काय को मेरा फ़ोन गिरा रहा है बेटा, शर्ट सीधे नीचे चला जाएगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। सो कल मैंने जिनका नाम लेना था, जिनको बताना था, एक बार में बोल के ख़त्म कर दिया क्योंकि बहुत 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 दिन से बोले जा रहे हैं। कल मैंने एक बार में नाम लेकर ख़त्म कर दिया, अब मुझे उन लोगों के बारे में आगे अपने वीडियो में कोई बात नहीं करनी है। और मैंने जिनको बोलना था उसका क्लियर नाम लिया है, मैंने यहाँ पे किसी के ऊपर रख के या किसी के बारे में बोल के ऐसे मैंने कुछ नहीं बोला। अमनदीप और रोनी सिंह के बारे में बोलना था, मैंने बोल दिया बिकॉज वो मुझे पता नहीं क्यों इतना हेट करती हैं और कर करके ऐसे कमेंट कर करके मुझे वो, मतलब मैंने सोचा था करने दो कर करके उन्होंने बहुत पोक किया था तो मुझे करना पड़ गया। ठीक है, तो कमेंट कर रहे थे कि आप वो बहुत अच्छी हैं, ये हैं, मतलब उनके बारे में ही किसी और के बारे में तो मत बोलिए, पहले आप पूरा वीडियो देखिए। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं बोला है और ना मुझे शौक है कोई भी बोलने का, मेरे पास टाइम भी नहीं रहता तो मैं अपना काम पे काम ध्यान देती हूँ ज़्यादा। तो उसी तरह से अमन सिंह और रोनी, उनसे भी ज़्यादा वाहियात और बदतमीज औरत एक मेरे चैनल पर आई है, मैं चाहती थी उसको ब्लॉक कर सकती थी बट उस बंदी की बदतमीजियाँ इतना 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 लेवल क्रॉस कर गई हैं, उसके आए दिन तो कमेंट रहते हैं आए दिन। ठीक है, सबसे पहला कमेंट मैं बताती हूँ उसका क्या था बदतमीजी का, हद कर दी उस लेडी ने,
हद काटी है उस लड़की ने, हद। ठीक है, लेडी है, खुद के चैनल है, 2-3-4 वीडियो हैं, उन पर कुछ कुछ व्यूज हैं, 18-20 इतने व्यूज हैं, खुद का चैनल होके तुम दूसरे के लिए बोले जा रही हो, तुम्हें अकल और तमीज नहीं है। पहले बोलती है बकवास वीडियो, प्रिया सिंह नाम है इसका, रेड कलर का साड़ी पहनी है, आप चाहते तो मेरी कल के वीडियो में जाके कॉमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, बकवास वीडियो और भिखारन औरत, तेरा पैसा खत्म हो गया भीख मांग ले, तो इसका ये बोलना रहता है मेरे को। पागल वाली हरकतें करती है व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी व्लॉग बनाकर डाल देती है। तो हाँ भाई, मैं तो पैसे कमाती हूँ, यूट्यूब पे कौन सा ऐसा बंदा है जो पैसे नहीं कमाता। और रही कुछ भी हरकत करने की बात, तो सबका अपना अपना नेचर होता है। मैं पागल वाली करती हूँ तो कोई गवारों वाली करता है, कोई अमीरों वाली करता है, कोई ओवर एक्टिंग करता है, कोई कुछ करता है। तो तुम्हें पागल वाली लगी, ठीक है, अपना थोड़ा सा चैनल और अपना व्यूज़ जाके एक बारी चेक कर लेना कि तुम्हारी कौन सी हरकतें हैं। ठीक है, उन्हीं के कमेंट के नीचे सही बोला लिखा है रोनी सिंह ने, तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों ने उन लोगों को सपोर्ट किया है, उन सबको थैंक यू। तो पैसे कमा लेंगे, कुछ भी ब्लॉग बनाकर डाल देती है। ब्लॉग बनाया तो प्रियंका एंड रिंगल जैन से सीखना चाहिए, मैं यहाँ पे नाम उनको वो नहीं कर रही हूँ, सीखना चाहिए। आप यूट्यूब एक तरफ आप भी बोल रही हो, एक तरफ तू तड़ाक भी बोल रही है, तो पहले बहन तू डिसाइड कर ले कि तुझे मुझसे आप करके बात करनी है कि तू तड़ाक। मुझे मालूम है तो तू तड़ाक ही करेगी, पर इसमें तूने दोनों लैंग्वेज यूज़ की। यूट्यूब छोड़ दो, पागल भाग यहाँ से, यूट्यूब पर से, यूट्यूब के नाम पर डब्बा तू कमीनी साली। 13 लाइक दिए, जो लाइक देने वाले हैं वो हेटर हैं, आई नो, बट बहन तू एक तरफ मुझे तू बोली, एक तरफ आप बोली, एक तरफ बोल रही है पैसा कमाने के लिए कुछ भी करती हूँ, एक तरफ बोल रही है इनसे सीख, और एक तरफ कह रही है यूट्यूब से भाग। तो बहन तू पहले डिसाइड कर ले, तू खुद डिसाइड कर ले कि मैं यूट्यूब पर रहूँ के लिए बोलना है तुझे, या मैं यूट्यूब से चली जाऊँ ये बोलना है, क्योंकि तू इस कमेंट में सारी बातें बोल दी, 3-4 बातें, और सजेशन दे रही है ना, सजेशन दे रही है, मत दे, तू खुद सीख पहले जाके सबसे, तू अपना चैनल देख, चैनल बनाना है, और तेरा नहीं चला तो यहाँ पे आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है अपनी। हाँ, अपना देखना, तो दिखने में तो सही सही लग रही है, पढ़ी लिखी लग रही है, पर तेरी हरकतें इतनी गवारों वाली क्यों है, हैं, गवारों वाली हरकतें क्यों है। तेरा ये कमेंट हुआ, फिर आती है शो ऑफ की दुकान, कहीं की पैसों के लिए रोती है। तू मुझे डेट तारीख बिल्कुल बताइए, देख बहुत हो गया, ठीक है, तो मुझे डेट तारीख बता दे, मैं बहुत दिन से सोच में पड़ी हुई हूँ कि कब मैंने पैसे मांगे। मैंने अभी तक तो अपने रिकॉर्ड में किसी से ये नहीं बोला कि भैया तुम मुझे 1 चवन्नी भी दे दो, 1 चवन्नी भी नहीं मांगी। वीडियो अच्छी बनाना नहीं आती है तो घर संभाल, अपना यूट्यूब छोड़ दे। अच्छा, तो इसका मतलब तूने अपना यूट्यूब इसीलिए छोड़ा होगा क्योंकि तेरे पे भी वीडियो बनाना नहीं आई होगी, राइट? आई नो, पागल वाली हरकतें करती रहती है व्यू के लिए, पर ये तो हो गया। तो इनके कॉमेंट पर कई सारे लाइक भी पड़ते हैं, फिर आया बकवास वीडियो, ठीक है। अब कल की वीडियो पे फिर इनके कमेंट हैं, इनकी बदतमीजियाँ क्रॉस करे हुए कमेंट, जिसका जवाब मेरे सारे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबरों ने दिया है। अब सुनो, मैंने जो रबड़ी बनाया था तो शायद इसको बनाना आता नहीं है क्योंकि ये रबड़ी को गोबर समझती है, बट हम तुम यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं, कुछ बस उसमें इतना कर देते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, और वो लोग बता भी देते हैं कि ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद नहीं है तो मत बनाना। इसने क्या लिखा है, गोबर पका रही है अपने जैसी ही भिखारी। अबे भिखारी भी खाना खाते हैं, गोबर से गैस बनाई जाती थी, ठीक है, गोबर के उपले जो कंडे होते हैं उस पर अभी भी चूल्हों में रोटियाँ बनती हैं, गाँव पूरा पूरे गाँव खाते हैं, समझ में आया? जो तू आटा खाती है ना वो भी गोबर में से उग के आता है, तो खाना छोड़ दे, ठीक है। इस आइसक्रीम कहते हैं हा 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 हा, गोबर है कुत्ता भी ना खाए, तू ही खा सकती है बकवास औरत। तो देख, तूने आइसक्रीम भी बोल दिया तो इसका मतलब तू टेस्ट कर चुकी है इसको, और एक तरफ कह रही कुत्ता ना खाए, कुत्ते हैं उनको पता है क्या अच्छा क्या बुरा है, तेरी मेंटलिटी खराब है, तू कुत्तों से भी गई गुजरी औरत है, समझी गवार औरत। चाहूँ तो तुझे एक मिनट में तेरी कंप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि किसी को इतना पोक करना इलीगल है, तो तेरी कंप्लेन के लिए ना जहाँ से बैठे ना वहीं से खिंची आएगी। तो ज्ञान अपना मत बांट, अपने चैनल पे फोकस कर, या नहीं भी कर रही है ना तो दूसरों के चैनल पे जाके देख, तुझे सीखने की ज़रूरत है। जो मेरे सब्सक्राइबर अच्छे कमेंट कर रहे हैं ना, वो उनसे तू सीख, और तुझे हेट कमेंट भी करना ना तो लिमिट में रह के कर, ठीक है, इसलिए तुझे ब्लॉक नहीं किया। मेरे को गवार, मेरे को बारिश आ गई, वो बापे अंदर आ रही है, मैं भी सीढ़ी को हटाना पड़ा।
तो प्रिया सिंह ये मेरी ना लास्ट वार्निंग है तुझे, अगेन बदतमीजी दी तूने, जरा सी भी दी तू देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। जाहिल औरत मुझे मत बोल, तेरी मेंटलिटी से पता चल रहा है कि तू कैसी औरत है। यार तुम लोग क्या खाते क्या हो, खाते क्या हो यार क्या? हाँ अभी चलेगा, मैं आ रही हूँ। तुम लोग खाते क्या हो, क्योंकि अन्न खाने वाले तो ऐसी मेंटलिटी नहीं रखते हैं, ठीक है। और जैसे तूने बोला गोबर, तो गोबर के लायक भी नहीं है तू तो, गवार। सो गाइस मैंने इसका क्लियर कर दिया, आप लोगों ने कमेंट देखे होंगे, इसके बद से बदतर और ये परेशान पे परेशान परेशान पे परेशान करते जा रही थी। बारिश आ चुकी है, पागल औरत की बातें बंद करते हैं, दूसरों को पागल बोलने वाली, खुद ही मुझे लगता है दिमाग का संतुलन हिला हुआ है उसका। बाय बाय, ट्रू बी से बाय, ट्रू बी से बाय।